नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। उमरिया जिले के चंदिया थाना के अंतर्गत पति ने अपनी ही पत्नी का गला काटकर हत्या जैसी घटना को अंजाम दिया है। चंदिया थाना के अंतर्गत बांका रोड वार्ड नंबर 3 के निवासी राम कुमार उर्फ थुरू साहू पारिवारिक कलह के कारण अपनी पत्नी विद्या बाई साहू की कुल्हाड़ी से गला काटकर निर्मम हत्या कर दी है। हत्या की खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। एक तरफ लोग होली के त्योहार में रंगों में सराबोर होकर खुशियां मना रहे थे, दूसरी तरफ हत्यारे के पत्नी की हत्या करके स्थानीय लोगों की खुशियों को मातम में बदल दिया। खून से लथपथ पड़ी महिला के शव को देखकर लोग दुखी होकर हैरान रह गए। वही हत्या जैसी घटना की सूचना मिलते ही चंदिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं मार्ग कायम करते हुए मामले की जांच कार्रवाई शुरू की एवं पीएम कार्रवाई के बाद मृतिका के शव को अंतिम संस्कार के लिए उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। वही जांच कार्रवाई के दौरान चंदिया थाना पुलिस ने आरोपी राम कुमार साहू को मौके से गिरफ्तार कर लिया है एवं धारा 302 का अपराध दर्ज करते हुए मामले की विवेचना जारी है। पेशी उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। दो बड़े दर्दनाक मामले सामने आए, एक पारिवारिक कलह का मामला है और दूसरा जाति कलह का मामला है, संपत्ति का मामला है। दोनों ही मामलों में ये प्रदर्शित होता है कि आदमी कितना हिंसक और क्रूर होता जा रहा है। मुझे लगता है कि गृह कलह कोई नई बात नहीं है, हर परिवार में थोड़ा बहुत होता है, लेकिन व्यक्ति संयम खो दे, हिंसक हो जाए, कुल्हाड़ी से सर काट दे, ये बीभत्स है और ये उनकी आपराधिक मानसिकता को, साइकी मानसिकता को दर्शाता है। ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। दोनों घटनाओं में पुलिस की तत्परता की सराहना करनी होगी। मैं मानता हूँ कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिली और मैं तो सराहना करता हूँ थाना चंदिया के जो पुलिस ऑफिसर से उनकी कि इस पर तत्परता दिखाते हुए और तुरंत FIR की गई है और जो आरोपी है उसको अरेस्ट किया गया है और न्यायालय के समक्ष उसको प्रस्तुत किया गया है। तो मैं इस तत्परता पर पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये जो आजकल ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो पारिवारिक कलह के कारण होती हैं, ये इंटॉलरेंस जो है पता नहीं क्यों समय समय धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। आपसी मनमुटाव, पारिवारिक विवाद के कारण लोग इतने हिंसात्मक होते जा रहे हैं कि भाई भाई के साथ मारपीट हो रही है, परिवार में आपसी विवाद हो रहे हैं। तो इस पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि भाई थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए, इंसानियत बनाए रखिए और सबसे बड़ा योगदान इसमें मैं ये समझता हूँ कि अशिक्षा का है। कोई भी शिक्षित व्यक्ति इस तरह की घटनाओं घटनाकारित नहीं करेगा। तो अशिक्षा इन सब चीज़ों के लिए मैं प्राथमिक रूप से जवाबदारी मानता हूँ कि अशिक्षा एक बहुत बड़ा एक घटक है इस तरह की जो समाज विरोधी जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जो घटनाएं घटती हैं। तो मेरी अपील है कि भाई टॉलरेंस रखिए, संवेदनशीलता दिखाइए और एक दूसरे की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए और प्यार मोहब्बत से रहिए। उमरिया जिले के थाना चंदिया का अंतर्गत ये प्रकाश में आया है कि एक व्यक्ति ने जो भी कारण रहा हो, पारिवारिक गुस्सा, क्रोध, नशा, इसके कारण चलते अपनी पत्नी की हत्या कर दी और उसने उसका गला काट दिया। निश्चित रूप से निर्मम हत्या की श्रेणी में है और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस तत्परता दिखाई, वहां पे पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। निश्चित रूप से 302 का प्रत्यक्ष मामला है और ऐसी घटनाएं न घटे, समाज में विकृति पैदा न हो, लोगों के संबंध खराब न हो, इस बारे में हमको सबको और समाज को सोचना पड़ेगा कि मैं किसी भी प्रकार से घरेलू हिंसा न हो, हत्या न हो, मगर पुलिस ने जो अपराध के संबंध में कार्रवाई की है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और भविष्य में घटना न घटे इसके लिए सभी लोगों को साथ में काम करना पड़ेगा और जो महिला मृत्यु हुई है उसकी सूक्ष्मता से जांच हो और जो दोषी व्यक्ति है उसका पति क्यों न हो उसे अधिकतम से अधिकतम सजा से दंडित कराया जाए। एक थाना चंदिया में एक प्रकरण आया जिसमें पति ने अपनी पत्नी की कुल्हाड़ी से गला काट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मौके पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अभी प्रकरण विवेचना में है और जो प्रारंभिक रूप से सामने बात आ रही है, इनका आपस में कुछ पारिवारिक कलह था, इसलिए पति ने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपनी ही पत्नी को गला रेत कर उसकी हत्या कर दी।